मूड चेंज होना पड़ता है। सब कुछ यहीं से होनी है सब। और ये लोकसभा चुनाव को लेकर डोईवाला के एसडीएम ने सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक लेकर उन्हें चुनाव संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। जैसा कि आप सभी भलीभांति बिल जाए कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और जो आदर्श आचार संहिता का जो भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश है उसके अनुपालन के लिए आज सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे बिल के जो भी कर्मचारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। इसमें जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लग चुकी है अपना क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा जो फोर्स की तैनाती वो उसका आकलन भी अलग से किया जा रहा है कि कहाँ पर हमें विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है। उसके अलावा जो प्रिवेंटिव एक्शन है पुलिस के द्वारा वो भी लगातार लिए जा रहे हैं और शांति निष्पक्ष जो मतदान कराया जाना है जो भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है उसको कराने की हमारी पूरी मंशा है। सर कितने बूथ कितना है? हमारी जो विधानसभा है इसमें 186 बूथ है और 116 सेक्टर है और यहाँ पे हमारे 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 5 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती हो चुकी है। इसके अलावा क्राइम स्क्वाड स्टैटिक सर्विलांस टीम और हमारी वीडियो सर्विलांस टीम सभी की तैनाती हो चुकी है और मतदान कराने के लिए उसकी वो क्या तैयारी पूरी हमारी हो चुकी है और चल रही है। निर्वाचन आयोग की जो गाइड है उसके अनुसार उसका परख कराएंगे। यदि कहीं विलंबन का मामला संज्ञान में आएगा तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी स्वीप की टीम लगातार काम कर रही है। जगह जगह अवेयरनेस जो कार्यक्रम है स्कूल हो या डिग्री कॉलेज है या ब्लॉक है सभी जगह इस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारा भी विशेष फोकस है जहाँ पे पिछले साल वोटर टर्नआउट कम रहा है इसीलिए हम विशेष योजना बना रहे हैं कि वहाँ पे वोटर टर्नआउट बढ़ाएंगे। इस बार उम्मीद करते हैं कि पिछले साल से ज़्यादा उम्मीद की हमें उम्मीद ज़्यादा मतदान की हमें उम्मीद है। थैंक यू। और खासकर तुम चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी से इसमें आपके जो चैनल है उसके माध्यम से मैं आम जनता से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन कराने में हमें सहयोग करें कि कहीं पे भी अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला संज्ञान में आता तो हमें टेलीफोनिक बता सकते हैं या सेक्टर मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं पुलिस को बता सकते हैं ताकि हम जो आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन कराएं और स्वतंत्र निष्पक्ष जो मतदान है उसको कराने में सफल हों।